अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीद बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से काम हम बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ये जो सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुज्तबा भाई हैं कराची से, उन्होंने माशाल्लाह से अपने सेटअप की वीडियो बनाई है हमारे लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीद बर्ड चैनल के लिए और तमाम उन दोस्तों के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीद बर्ड के सब्सक्राइबर हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके पास जो लव बर्ड्स हैं उनमें फिशर, लुटीनो, अल्बिनो और क्या कहते हैं ब्लू पसनाटा हैं, ठीक है। ये जो इनके पास बर्ड्स हैं, इनकी आज प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड नंबर वन पे ये देखें, लुटीनो है। लुटीनो की फर्स्ट बॉक्स में एक आ गया और अभी देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो नेक्स्ट बॉक्स में जो है फ्रेंड्स, एक बच्चा है, माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस चल रही है इस बच्चे की। आप इसका साइज़ देखिए और हेल्थ देखिए, देखें उससे। नेक्स्ट बॉक्स में दो बच्चे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी हैं। और ये देखें काफ़ी सारे बर्ड जो हैं, क्योंकि कॉलोनी में है मुज्तबा भाई, तो इस वजह से बर्ड जालियों से चिपके हुए हैं। तो चलें नेक्स्ट मटकी दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। फ्रेंड इस तरह से अगर आप लोग भी वीडियो अपलोड करते हैं तो काफ़ी लोगों का न्यू व्यूवर्स जो होते हैं, न्यू फ्रेंड्स जो होते हैं, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपना सेटअप बनाने में। ये देखें, ये मिक्स सीड और बॉयल चने दे रहे हैं, बॉयल चने, काले चने। ये बहुत बेहतरीन फूड है लव बर्ड्स के लिए और कॉकटेल के लिए। तो इनके पास कॉकटेल्स भी हैं, तो कॉकटेल्स की भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी बनवाएंगे इंशाल्लाह इनसे, हमारे लिए, तमाम दोस्तों के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीद बर्ड को सपोर्ट करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इनकी माशाल्लाह से जो कॉलोनी का साइज़ है वो 5x8 का है, यानी कि। और बाकी जो है ये देखें, अभी पसनाटा की कॉलोनी में आ गए हैं ये, तो पसनाटा की प्रोग्रेस दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये पसनाटा की फर्स्ट बॉक्स देखें माशाल्लाह से, इसमें कितने एग हैं फ्रेंड्स, चलें देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 6 एग हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है इनके पसनाटा की भी। और मेरे ख्याल में फर्स्ट ब्रीड है ये, सेकंड ब्रीड, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, यानी कि इन्होंने क्योंकि छत पे रखे हुए हैं तो छत पे काफ़ी कंट्रोल होता है टेम्परेचर, ये फ्रेश एयर भी लगती है। तो सेकंड मटकी चेक करते हैं पसनाटा की, तो उसमें क्या है। तो पसनाटा की सेकंड मटकी में चलें देखते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या फ्रेंड्स, क्या प्रोग्रेस है दूसरी मटकी की, दूसरे पेयर की। तो ये देखें, अभी इसने अभी एक ही अंडा दिया है, तो अभी फिशर पे आ जाते हैं। फिशर की नंबर वन पे दो एग हैं और फीमेल अंदर है। सेकंड पर दो बच्चे हैं जिनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। थर्ड नंबर पर जो बेबीज़ हैं ये देखें, इनकी प्रोग्रेस भी अच्छी चल रही है और ये अभी थोड़े छोटे हैं, ये देखें। और ये देखें नेक्स्ट जो है, ये देखें माशाल्लाह से तीन बच्चे हैं, तीन चिक्स हैं, जो कि गर्मी की वजह से काफ़ी लेटे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, गर्मी काफ़ी है। और ये दो एग्स भी हैं इस मटकी में, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट मटकी में 3 एग हैं, काफ़ी अच्छी। पर शायद फीमेल्स जो हैं लव बर्ड्स की, वो 4 से 6 एग देती हैं इस मटकी में, मिसाल में कुछ नहीं है अभी, शायद जब फीमेल इस एग के ऊपर बैठी हो। तो फ्रेंड ये फिशर की आपने प्रोग्रेस इंजॉय की, लुटीनो की प्रोग्रेस भी आपने इंजॉय की। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। काइंडली ऐसी वीडियोस के लिए काफ़ी व्यूवर्स जो हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को सिखाना है और कुछ नहीं। और ये जो है काफ़ी बड़ी मुश्किल से बंदा आपके लिए वीडियो बनाता है, ताकि आप लोग सीख पाएँ, आप लोग एक दूसरे से शेयर कर पाएँ कि कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और कैसे अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं। ये सारी टिप्स होती हैं, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे और पूरी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स मैं भी इसी तरह से सीखा हूँ, मैं भी काफ़ी लोगों से पहले पूछता था, फिर लोगों के साथ वो करता था। तो नो प्रॉब्लम, बंदा पूछने से और करके देखने से ही सीखता है, ना कि हर कोई सीख के आता है।
तो ये माशाल्लाह से बाकी इनके बर्ड्स जो हैं काफ़ी हेल्दी एंड एक्टिव हैं, आप देख भी रहे होंगे, और जो है आपको यानी कि देख भी रहे होंगे, साथ में समझ भी आ रहा हो कैसे इन्होंने कितनी बेहतरीन सेटअप बनाया हुआ है अपने बर्ड्स का। कॉलोनी का साइज़ सेम है, यानी कि 5x8। मुझे देखें एक नज़र दोबारा से फिशरों की कॉलोनी, काफ़ी पेयर हैं, शायद क्रॉस में निकला हो, लुटिनो जैसा लगता है, क्रॉस में निकले हुए के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत और दिल को भाने वाले कलर होते हैं। तो आप भी फ्रेंड शेयर कर सकते हैं इस तरह से वीडियोज़, ताकि लोगों को सेटअप बनाने में आसानी हो, न्यू सेटअप जो होते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट ये हमें दिखा रहे हैं वो हैं कॉकटेल्स, तो कॉकटेल्स की अभी प्रोग्रेस तो नहीं दिखा रहे, बट कॉकटेल दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्रेस भी हम इनसे देखेंगे। ये देखें इनके पास क्रीम कॉकटेल हैं और ग्रे कॉकटेल हैं, ग्रे और पाइड के वो भी निकले हुए हैं, क्या कहते हैं मिक्स समझ लें, जो क्रॉस ब्रीड होती है वो भी निकली हुई है, देखें आप देख भी पा रहे होंगे माशाल्लाह से इनके लवबर्ड्स कॉकटेल्स की भी अच्छी ब्रीड चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनवाऊंगा आपके लिए, ख़ास तौर पर आपके लिए। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काइंडली पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें अपने।